लिखो कंबाइंड पिल, नंबर वन कंबाइंड पिल्स, कंबाइंड पिल्स, पिल्स के टाइप बता रहे हैं। नंबर दूसरा प्रोजिस्ट्रॉन ओनली पिल्स, प्रोजिस्ट्रॉन ओनली पिल्स, प्रोजिस्ट्रॉन ओनली पिल्स। नंबर तीसरा है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मिक्स पिल्स ही इसी को भी कहते हैं। कंबाइंड का मतलब ही मिक्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, ओसीपीज के टाइप्स हो गए कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स एंड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। कंबाइंड पिल्स में लिखिए एग्जाम्पल माला डी एंड माला एन। बेस्ट एग्जाम्पल ओसीपीज में कंबाइंड पिल्स के हैं माला डी, माला डी, माला डी एंड माला एन। ये दो तरह की टैबलेट बाजार में आती है जो कंबाइंड पिल के नाम से मशहूर है। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स में आती है मिनी पिल्स एंड माइक्रो पिल्स, मिनी पिल्स एंड माइक्रो पिल्स। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सहेली। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सहेली। एक हफ्ते में एक ली जाती है, वंस अ वीक। अच्छा, तीसरे नंबर की जो पिल्स है वो कौन सी है? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, सुबह उठते ही लेनी है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल आपने सुना होगा, एमरजेंसी पिल के नाम से भी मशहूर होती है अनवांटेड 72। इसको और क्या कहते हैं? इसको और कहते हैं एमरजेंसी पिल्स। एग्जाम्पल क्या है? अनवांटेड रेप वगैरह के केस में, या एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब बैरियर मेथड भी फेल हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हो? अगर बैरियर मेथड फेल हो गया है उस वक्त में भी अनवांटेड 72, 72 ये आवर्स है, इसके अंदर अंदर आपने अगर टैबलेट ले ली तो ये काम करेगी, वरना ये काम नहीं करेगी। इतना क्लियर है? अब इसका एक और नाम है पोस्ट कोइटल पिल्स, पोस्ट कोइटल, यानी कि ठीक है, इससे ज्यादा इसमें से सवाल नीट में नहीं आएगा। नंबर वन लिखिए कंबाइंड पिल्स, हेडिंग डाल के। जी जी जी, कंबाइंड पिल्स लिखो। अच्छा, कंबाइंड पिल्स के बारे में सबसे पहली बात यह है कि ये 100% ऑलमोस्ट इफेक्टिव हैं। देखिए, कंबाइंड पिल्स आर ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव। ये पिल्स ऐसी हैं 100% इफेक्टिव होती हैं, काम के लायक होती हैं, काम कर सकती हैं। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ज़रूर लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एरर तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रहती है। तो ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव होती है, कंबाइंड पिल्स आर ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी
ठीक है ना बेटा। अब कंबाइंड पिल्स में क्या होता है लिखिए, कंबाइंड पिल्स कंटेन देखिए सिंथेटिक मतलब बना हुआ सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है यहाँ पे, यानी ये जो दवाइयाँ बनती हैं कंबाइंड पिल्स की वो सिंथेटिक एस्ट्रोजन लेते हैं और प्रोजेस्टेरोन लेते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है इसमें, ठीक है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को मिला कर ये पिल्स बनती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं प्रेगनेंसी को। इतना बात समझ में आ गई, तो लिखेंगे कंबाइंड पिल्स कंटेन सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अच्छा ये जो दवाइयाँ हैं ये ओरली यानी मुंह से खाई जाती हैं 21 दिन तक कॉन्जिक्यूटिव डेज तक। लिखेंगे द पिल्स इज गिवन ओरली फॉर 21 तो ये जो पिल्स हैं ये ओरली दी जाती है 21 डेज तक कॉन्जिक्यूटिव डेज। ठीक है, दिक्कत हो सकती है। अच्छा आखिर के 7 दिन तक कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो ऑलरेडी ब्लीडिंग फेस है, खून निकलता है, ब्लड रिलीज होता है, तो उस वक्त तो वैसे भी सेफ सेक्स पीरियड है, तो तब के लिए दवा लेने का कोई बात बनती नहीं है, इसलिए तब आप दवा ना भी लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर 2 लिखेंगे प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स के बारे में हमने बताया, इनको मिनी पिल्स और माइक्रो पिल्स भी कहते हैं, जैसे एग्जांपल बेस्ट सहेली का है, ठीक है। अच्छा इसमें प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। लिखेंगे इट कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरोन। तो सवाल इस पे भी आता है सवाल, अब इसकी बात करें तो इसमें दोनों होते हैं, एस्ट्रोजन भी होता है, और तो ये क्यों अलग है, क्यों मुख्तलिफ है कंबाइंड पिल से, क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है इसमें, इसीलिए इसका नाम प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी है, इट कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरोन। अब लिखेंगे द कॉमनली यूज प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स इज नाम लिखेंगे लीवोनॉर्जेस्टेरोल। एक गोली है जिसका नाम है लीवोनॉर्जेस्टेरोल जो कि बहुत कॉमन ली जा रही है या ली जाती है, लीवोनॉर्जेस्टेरोल। अगर सवाल आ गया नीट में लीवोनॉर्जेस्टेरोल क्या है, ऑप्शन में यही होंगे कंबाइंड है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स है, ठीक है ना। लिखेंगे कंबाइंड पिल्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी नहीं दी जाएगी कंबाइंड पिल्स, कब नहीं दी जाएगी, लिखेंगे कंबाइंड पिल्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नहीं दी जाने को। अब अलग पॉइंट बना के लिखो कंबाइंड पिल्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड वो कंडीशन जब नहीं दी जाएगी ये दवा, तो ये दवा कब नहीं दी जाएगी कंबाइंड पिल्स, जब किसी को दिल की बीमारी हो औरत को, जब महिला को कार्डियोवास्कुलर डिजीज अगर है,
कार्डियोवास्कुलर रिस्क में नहीं दी जाएगी ये दवा, ठीक है? कार्डियोवास्कुलर रिस्क तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क की अगर मरीज है कोई औरत, देन उसको कंबाइन पिल्स नहीं दी जाएगी। इसमें सहेली जो है वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, सहेली जो है ये कहाँ बनी है, CDRI लखनऊ में बनी है। लिखेंगे सहेली कंटेन अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन सेंट्रोमेयर नॉन स्टेरॉइडल, ये सहेली जो है नॉन स्टेरॉइड है, ये स्टेरॉइड नहीं है। सहेली के बारे में जब लिखेंगे तो लिखेंगे नॉन स्टेरॉइडल है, नॉन स्टेरॉइडल है, और ये इंपॉर्टेंट बात ये देख लेना स्पेलिंग थोड़ा, नॉन स्टेरॉइडल है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये CDRI में बनी है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में सहेली बनाई गई थी, और ये कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है? तो इस पर भी सवाल आता है ये कहाँ पर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नॉन स्टेरॉइडल है, स्टेरॉइड नहीं होते जो किडनी विडनी पे इफेक्ट करते, जो लोग जिम करते हैं स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, मना करते हैं डॉक्टर, तो ये स्टेरॉइडल नहीं है। स्टेरॉइडल मतलब बेसिकली किडनी विडनी पे इफेक्ट करते हैं, तो स्टेरॉइड नहीं है, ठीक है? लिखेंगे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स का मतलब एमरजेंसी पिल्स भी कहते हैं, क्वाइटल पिल्स भी कहते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल है अनवांटेड 72 का, इसमें लिखेंगे इट इज़ द मिजनोमर टर्म, इट इज़ द मिजनोमर टर्म बिकॉज दीज पिल्स कैन, मतलब तुरंत ली जाती है ये टर्म, बिकॉज दीज पिल्स कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी मिसनोमर, MISNOMER। स्पेलिंग तो मेरी में भी गड़बड़ी हो सकती, तो मिसनोमर टर्म है ये क्या, पिल्स कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ टेकन विथ इन 72 आवर्स, यानी कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स जो है ये वाली जो अनवांटेड 72 है ये आपको 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी है। अगर ये नहीं ली तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेलिंग तो आप सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ए और ई का फ़र्क होगा ज़्यादा सा होगा। तो इसमें क्या है कि क्या होता है, अगर ये 72 घंटे के अंदर अंदर ले ली गई तो ये काम करेगी, वरना ये काम नहीं करेगी। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स आर हाई डोज बर्थ कंट्रोल पिल्स, इनको इसको और क्या कहते हैं, ये हाई डोज बर्थ कंट्रोल पिल है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है इसमें, प्रोजेस्टेरोन, हाई डोज बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इसको कहते हैं, मतलब हाई डोज होता है ना। अलग है ये ऐसा, ये तो आपको फर्दर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, आपके लेवल पर सिर्फ इतना ही है,
ठीक है, लिखेंगे मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इज रिकमेंडेड, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इज रिकमेंडेड मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इज रिकमेंडेड विथ इन 48 आवर्स विथ इन 48 आवर। देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे ना अगर आपने 48 घंटे के अंदर ली भाई, जैसे आप टाइम बढ़ाओगे तो चांसेस प्रेगनेंसी के ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इसीलिए यही कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि 48 घंटे में ले लो तो ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी टैबलेट की काम करने की। ठीक है, 48 आवर्स मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इज रिकमेंडेड विथ इन 48 आवर्स ऑफ एन अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स। मतलब अगर ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है जिसको प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, बैरियर मेथड भी नहीं है, कॉपर टी भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, यानी मतलब ना आपने IUCDs का इस्तेमाल कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन में एमरजेंसी में ये ली जाती है अनप्रोटेक्टेड, या बैरियर मेथड यूज़ किया है, कॉन्डम फट गया, आपको पता बाद में चला कि अंदर से बाहर से लीकेज था, समझ रहे हो, तब उसमें रिकमेंड यही किया जाता है कि ये मॉर्निंग आफ्टर पिल ले लो 48 घंटे के अंदर, नहीं है तो 72 घंटे के अंदर, जल्दी ले लोगे तो जल्दी फ़ायदा, ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है, तहवील अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप में भी चलता है, अगर रेप हो जाता है तो डॉक्टर फिर रेप में भी ये बताते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप, और तीसरी जो वजह हो सकती है वो क्या हो सकती है, फेलियर ऑफ बैरियर मेथड। क्यों भाई, अगर कोई बैरियर मेथड फेल हो गया, कॉन्डोम यूज किया गया लेकिन वो फट गया, अच्छा देखिए कंबाइंड पिल जो है वो क्या करेंगी, ओवुलेशन को प्रिवेंट कर देगी, ठीक है, ओवरी से, तो लिखेंगे कंबाइंड पिल्स प्रिवेंट, पॉइंट बना के लिखेंगे कंबाइंड पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन फ्रॉम द ओवरी, पॉइंट बना के लिखेंगे कंबाइंड पिल्स प्रिवेंट ओवुलेशन फ्रॉम द ओवरी। अच्छा, ये ओवुलेशन कैसे प्रिवेंट करती है कंबाइंड ओनली पिल्स, माला डी माला एन, ये सब क्या करती हैं मालूम है, ये GnRH पे इफेक्ट करती हैं, जो GnRH क्या कराता है ओवुलेशन के लिए मेन है, तो ये क्या करती हैं, लिखिए दिस इज अचीव्ड बाय, अभी लिख लीजिए समझाएंगे, दिस इज अचीव्ड बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सीक्रेशन, बाय ब्लॉकिंग द मजा आ रहा है गाइल समझ आ रहा है तुम्हें आ रहा है ना, वीडियो वालों से भी पूछ लो। हाँ क्या लिखा, दिस इज अचीव्ड बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सीक्रेशन ऑफ GnRH, ये क्या है, देखो आपको पता ही था ब्रेन शुरू कराता है, ब्रेन बताता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी को बोलता है ना, क्या करवा रहे हैं हम ओवुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन रन करा रहा होता है, यही तो एंटीरियर पोर्शन पिट्यूटरी का, अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कराता है आपको मालूम है, GnRH निकलवाता है, GnRH का मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पहला वाला चैप्टर में पढ़ाया जाता है। अब GnRH से LH और FSH दो हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम है, एक का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक का नाम है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
तो मेस्ट्रुअल साइकिल कौन रन करा रहा है? ब्रेन। ब्रेन में कौन? हाइपोथैलेमस कमांड देता है ब्रेन को, भाई शुरू कराओ। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी GnRH निकलवाता है, GnRH, FSH और LH। अब ये जो दवा आपने खाई है कम्बाइंड ओनली पिल, ये GnRH को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, इसमें चेंजेस लाएगा। तो LH FSH नहीं निकलेंगे, और LH FSH नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? ये दोनों हार्मोन LH और FSH क्या करते हैं, जो GnRH की वजह से निकल रहे हैं, यही तो देखते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी तो क्या होगा? ओवुलेशन प्रिवेंट हो जाएगा, ओवुलेशन रुक जाएगा। सही है, कंबाइंड पिल्स का काम समझ में आया। अब लिखिए प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स क्या करती है, लिखेंगे प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स मेक्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स मेक्स द सर्विकल म्यूकस प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स मेक देखो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैकेनिज्म बताया मैंने कंबाइंड पिल्स का काम कैसे करती है। अब ऐसे ही मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का। अब ये क्या करती है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ये क्या करती है कि ये आपका सर्विकल को, सर्विक्स जो है ना वो वहाँ पे थिक कर देती है, जो दलदल टाइप का बना देती है, ताकि स्पर्म दौड़ ना सके, भाग ना सके। तो लिखेंगे प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स मेक द सर्विकल म्यूकस थिक। तो ये क्या करती है, सर्विकल म्यूकस को थिक कर देती है, और सर्विकल म्यूकस का थिक होने का मतलब थिक कैसे हो जाती है, जैसे ये जो है ना ये यूट्रस है या सर्विक्स है, नीचे वजाइना है। अब जब ये खाई जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे क्या भर जाता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ही तो है, तो प्रोजेस्टेरोन ही प्रोजेस्टेरोन या सर्विक्स में भर जाता है। और जब सर्विक्स में प्रोजेस्टेरोन भर गया, जब सर्विक्स में प्रोजेस्टेरोन भर गया तो ये दलदल बन जाएगा, और दलदल बन जाएगा तो यहाँ पे स्पर्म भाग ही नहीं पाएगा, यहाँ तक पहुँचना है स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के, तो रुक जाता है। तो लिखेंगे क्या, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स मेक द सर्विकल म्यूकस थिक एंड देयर बाई इनहिबिट स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, इट इनहिबिट स्पर्म ट्रांसपोर्ट। समझ में आया, लिखेंगे प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ऑल्सो इनहिबिट, और क्या काम करती है ये, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स ऑल्सो इनहिबिट ट्यूबल मोर्टेलिटी, ट्यूबल मोर्टेलिटी को भी रोक देता है ये, और क्या काम करती है, ट्यूबल मोर्टेलिटी को भी इनहिबिट कर देती है। ट्यूबल मोर्टेलिटी का मतलब फैलोपियन ट्यूब की थोड़ी बहुत जो भी मोर्टेलिटी होती है काम करने की, वहां पर भी क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ट्यूबल मोर्टेलिटी को इनहिबिट कर देती है। डिले ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इसी में लिखा जाएगा, डिले ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू द यूटेराइन कैविटी। ये जो पिल्स हैं, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ये मना कर दी जाती हैं अगर किसी लेडी को सर्विक्स का कैंसर है, सर्विक्स का अगर कैंसर है तब भी मना हो जाती है, और ब्रेस्ट कैंसर है तब भी मना हो जाती है। तो मना होने को बायोलॉजी में कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन या कॉन्ट्रा इंडिकेटिव। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ओसीपीज कब, कब, जब किसी लेडी को क्या है, सर्विक्स का कैंसर है या फिर ब्रेस्ट कैंसर है। सर्विक्स कैंसर है या फिर
ब्रेस्ट कैंसर। एक सवाल ऐसे भी आता है नीट में कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग बताइए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की, कौन सी है? अनवांटेड 72, इसी को कहते हैं लीवोनॉर्जेस्टेरॉल। समझ आया? नहीं आया? सुनी नहीं रहा? लीवोनॉर्जेस्टेरॉल नाम है ये तो, अनवांटेड 72 एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में सबसे ज़्यादा क्या है कारगर साबित हुई है। मैंने लिखवाया है ये भी लीवोनॉर्जेस्टेरॉल से बनती है, बोली जाती है, इसमें कंटेंट ज़्यादा होगा ये है, लेकिन ज़्यादा कंटेंट होता है तो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, समझ रहे हो? अच्छा, कल हमने आपको बताया था कॉपर्टी वगैरह बता दी थी, नहीं बताई? तो हमने IUCDs नहीं पढ़ाई आपको, OCPs हो गई ना। चलिए आप लिख लीजिए IUCDs। चलिए ये आप कल से शुरू करेंगे IUCD। OCP का काम ख़त्म हो गया। OCP कब यूज़ करते हैं, कब नहीं यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ होती है, मैकेनिज्म क्या है, तीन तरह की OCPs हैं। तो आज हमने बताया OCPs के टाइप्स, कम्बाइंड पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स और मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। कम्बाइंड पिल्स मिक्स पिल्स भी होती है, माला डी माला एन होता है, इसमें ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव होती है। ये क्या होता है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से बनती है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल जो होती है मिनी पिल्स या फिर माइक्रो पिल्स भी होते हैं बोलते हैं इसको, एग्जांपल इसका सहेली है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है या फिर इसको बोलते हैं लीवोनॉर्जेस्टेरॉल। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है, सहेली जो बनाई गई है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है लखनऊ के अंदर, जो कि इसका काम बहुत अच्छा साबित हो रहा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होती है, नॉन स्टेरॉयडल है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट तीसरा है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पिल या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये इमरजेंसी पिल जो होती है अनवांटेड 72 जैसे, या मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं इसको, पोस्ट क्वाइटल पिल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर बैरियर मेथड फेल हो गया है या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया है, आप बच्चा नहीं चाह रहे हैं लेकिन हो गया सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्पर्म पहुँच गया है वजाइना में, छोड़ दिया गया, एग्जामिनेशन हो गया, तब रेप हो गया या फिर फेलियर हो गया बैरियर मेथड का, किसी तरह से कॉन्डोम्स वगैरह फट गए या कुछ भी हो गया, फेल हो गया, इसमें समझ में आया। उसके बाद हमने आपको बता दिया मैकेनिज्म एक्शन के, कम्बाइंड एक्शन कम्बाइंड पिल्स का क्या मैकेनिज्म है आपको पता है, क्या बताया था? कम्बाइंड मैंने बताया था GnRH पे जाके इफेक्ट करेगा। GnRH कैसे हाइपोथैलेमस इंटी, ये आपको पता ही है कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, कौन इसमें सर्वे सर्वा होता है, तो ये ब्रेन होता है, ब्रेन हाइपोथैलेमस को बोलता है, हाइपोथैलेमस पे इंटीरियर पिट्यूटरी को बोलता है, फिर ये GnRH निकालता है, GnRH LH और FSH नाम के दो हार्मोन निकालते हैं, यही क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल को देख रहे होते हैं। लेकिन जब आपने ये गोली खा ली तो गोली खाने से GnRH क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है, निकलने नहीं देता, इसको परेशानी होती है। जब इसको परेशानी हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को परेशानी हो, ओवुलेशन को परेशानी होती है, इसीलिए कम्बाइंड पिल्स क्या करता है, ओवुलेशन को रोक देता है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स क्या करता है, हमने बताया सर्विक्स यानी म्यूकस जो लग जाता है सर्विक्स में आके वहाँ पे थिक हो जाता है ये, ताकि दलदल नुमा स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म जाके एटी ना हो, मोर्टिलिटी ना हो, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, ट्यूबल मोर्टिलिटी भी कम हो जाती है इससे। फिर हमने बताया OCPs कब नहीं दी जा सकती, सर्विकल कैंसर में और ब्रेस्ट कैंसर में। आज के लिए इतना।